स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सूरी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मोहित सूरी, द डायरेक्टर ऑफ सूरी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक जबरदस्त न्यूज है कि क्लास टेंथ और क्लास प्लस टू की डेटशीट जो है सीबीएसई की वेबसाइट पर 2 या 3 दिन पहले डल चुकी है फ्रेंड्स। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपकी डेटशीट क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो कॉमर्स को प्रस्यू करता है, यानी हम कॉमर्स टीच करते हैं, तो कॉमर्स की डेटशीट जो है वो आपकी इस टाइम स्क्रीन के ऊपर प्लस टू क्लास वालों फ्लैश कर रही है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं 2 मार्च से आपके जो एग्जाम्स है वो शुरू होने वाले हैं फ्रेंड्स। 2 को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, 6 मार्च को अकाउंट्स का एग्जाम है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे टफेस्ट एग्जाम है फ्रेंड्स, जिसके लिए आप सारा साल मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा आप उसे टीच करते हैं, और आई थिंक ट्यूशन भी सारे अकाउंट्स की जरूर पढ़ते हैं। और 9 को जो है फ्रेंड्स हिंदी का एग्जाम है, बहुत सिंपल एग्जाम है। अगर आपने डेली हाफ एन आवर भी निकाला है हिंदी के लिए तो फ्रेंड्स आप डेफिनेटली उसमें 6 मार्क्स ले सकते हैं। 14th को फ्रेंड्स बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है, जो कि बहुत ही एक हार्ड और एक लेंथी एग्जाम होता है फ्रेंड्स। यानी कि हार्ड तो नहीं होता बट लेंथी बहुत होता है फ्रेंड्स। स्टूडेंट ज्यादातर इस एग्जाम को कंप्लीट नहीं कर पाते 3 घंटे के अंदर फ्रेंड्स, तो अपनी स्पीड को मेंटेन करिए इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए फ्रेंड्स। 18th मार्च को मैथ्स का एग्जाम है। आप में से कई स्टूडेंट ने ऑप्शनल मैथ्स ले रखा होगा, किसी ने कंपल्सरी ले रखा होगा फ्रेंड्स, तो इस पर फोकस करें। एंड 27th मार्च को इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। पिछले साल इकोनॉमिक्स का एग्जाम कैंसिल हुआ था फ्रेंड्स, पर इस बार नहीं होने वाला, ठीक है फ्रेंड्स। 30th मार्च को है फिजिकल एजुकेशन, ये भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये भी बच्चों ने अपने ऑप्शनल एग्जाम्स में ले रखा होता है। तो फ्रेंड्स 10th की डेटशीट, जैसा कि हम 10th को टीच तो नहीं करते बट 10th की डेटशीट भी जो है वो मैं आपको मोटी मोटी आपकी स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रही है, आप इसे जो है नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी जो लिंक है दोनों डेटशीट्स का वो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 10th में के जो एग्जाम है वो 7th मार्च से शुरू हो रहे हैं, और इस बार सीबीएसई ने पहला एग्जाम ही मैथ्स का रखा है। 7th मार्च को आपका मैथ्स का एग्जाम है, 13th मार्च को आपका साइंस का एग्जाम है, एंड 16th मार्च को आपका संस्कृत का एग्जाम है। तो फ्रेंड्स संस्कृत में अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है तो ये 13th मार्च को आपका सब्जेक्ट संस्कृत का एग्जाम है, एंड 19th मार्च को हिंदी का एग्जाम है फ्रेंड्स। हिंदी इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट फॉर स्कोर, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। कई स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टफ लगती है हिंदी बट आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 23rd मार्च को आपका इंग्लिश का एग्जाम है फ्रेंड्स, एंड 29th मार्च को आपका सोशल स्टडीज का एग्जाम है। तो फ्रेंड्स लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैं आपको लैपटॉप पर ये समझाऊंगा कि आप कैसे सीबीएसई की वेबसाइट से डेटशीट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप अपने ब्राउजर में यहां पर टाइप कीजिए सीबीएसई, ठीक है, .nic.in, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये वेब पेज ओपन हो जाएगा, आप इसमें ऊपर सीबीएसई पर क्लिक कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। सीबीएसई क्लिक करने के बाद आप यहां नोटिफिकेशंस में देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहां पर देखिए डेटशीट जो है वो डल चुकी है, 23 दिसंबर से डेटशीट जो है वो डल चुकी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप यहां पर इन फोकस पर जाकर, क्योंकि यहां से आप जो है 10th की डेटशीट को हम डाउनलोड कर लेंगे फ्रेंड्स, और यहां से हम प्लस टू की डेटशीट को जो है फ्रेंड्स हम डाउनलोड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये पीडीएफ जो है वो ओपन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स जो कोर एग्जाम्स है ये अभी फ्रेंड्स लोडिंग हो रही है, जो कोर एग्जाम्स है प्रैक्टिकल्स जो है वो 16 फेब से शुरू है, जो कोर एग्जाम्स है फ्रेंड्स प्लस टू क्लास के वो 2nd of March से शुरू हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2nd March से शुरू हो रहे हैं, 2nd March को इंग्लिश का एग्जाम है, ठीक है फ्रेंड्स। 5th March को फिजिक्स का है, 6th March को अकाउंटेंसी का है फ्रेंड्स, 7th March को फ्रेंड्स ज्योग्राफी बायोटेक्नोलॉजी, और 8th March को फ्रेंड्स डिफरेंट लैंग्वेजेस का एग्जाम है, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप वो एग्जाम दे सकते हैं फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स 9th मार्च को हिंदी का एग्जाम है, 11th मार्च को सोशियोलॉजी का एग्जाम है फ्रेंड्स, 12th मार्च को केमिस्ट्री का एग्जाम है, 14th को बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है, और 15th मार्च को बायोलॉजी का एग्जाम है, ठीक है फ्रेंड्स। 18th मार्च को मैथ्स का एग्जाम है फ्रेंड्स, 19th को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, 23rd को आपका संस्कृत का एग्जाम है फ्रेंड्स, और 25th मार्च को आपका हिस्ट्री का एग्जाम है, एंड 27th मार्च को इकोनॉमिक्स का एग्जाम है फ्रेंड्स, और आपका 28th मार्च को कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है फ्रेंड्स, 30th मार्च को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, 1 अप्रैल को आपका होम साइंस का एग्जाम है फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स 3 अप्रैल को आपका मल्टीमीडिया एंड वेब
एंड इंट्रो टू हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी प्लस टू की डेट शीट। आप फ्रेंड्स वैसे तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं फ्रेंड्स, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पर अगर आप साइट पर जाकर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो हमने आपको बता दिया है इस वीडियो में कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेंथ की डेट शीट पे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो टेंथ के मेन एग्जाम्स है वो 7 मार्च से शुरू हो रहे हैं, और जो इस बार पहला ही एग्जाम है वो पहला ही एग्जाम इस बार मैथ्स का है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पहला एग्जाम मैथ्स का है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड 13 मार्च को साइंस का एग्जाम है फ्रेंड्स, 16 मार्च को आपका संस्कृत का एग्जाम है, और फ्रेंड्स 19 मार्च को हिंदी का एग्जाम है, 23 मार्च को इंग्लिश का एग्जाम है, 25 मार्च को होम साइंस का एग्जाम है फ्रेंड्स, एंड 27 मार्च को आपका आईटी का एग्जाम है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड 29 मार्च को आपका सोशल साइंस का एग्जाम है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स टेंथ वाले भी डेट शीट जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने जाना कि कैसे हम जो है डेट शीट को वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने जाना कि कैसे आप डेट शीट को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि लेटेस्ट चेंजेस जो है इस बार सीबीएसई ने की, हमने इसकी एक वीडियो भी जो है फ्रेंड्स अभी कुछ दिनों पहले बनाई थी, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी एक कार्ड फ्लैश कर रहा होगा फ्रेंड्स, आप इस पर जाके वो दो चेंजेस को डिटेल में देख सकते हैं। वैसे आपको मैं जो है इन शॉर्ट अभी बता देता हूं कि इस बार चेंजेस जो है, इस बार जो एग्जाम का टाइम है वो 11 बजे से चेंज होकर 10 बजे हो गया है फ्रेंड्स। पहले आप 11:15 तक भी एंट्री कर सकते थे फ्रेंड्स, बट अब आप 10 बजे के बाद एंट्री नहीं कर सकते। 10 बजे से लेकर 10:15 के बीच आपको आंसर शीट्स मिल जाएगी फ्रेंड्स, और 10:15 से लेकर 10:30 बजे तक 10:15 to 10:30 आप एग्जाम रीड कर सकते हैं, यानी कि आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं उन 15 मिनट में फ्रेंड्स। आप उन 15 मिनट्स को खराब ना करिए, आप उस 15 मिनट्स में स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको उस क्वेश्चन में क्या लिखना है, कौन सा क्वेश्चन आप पहले करेंगे और कौन सा क्वेश्चन आप बाद में करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी ही वो वीडियो डलेगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक इंफॉर्मेशन ये भी कि इस बार जो एग्जाम, जैसे कि आपने देखा पिछले साल का एग्जाम कैंसिल हुए, तो फ्रेंड्स एक नया रूल ये भी आया कि इस बार एग्जाम जो है वो स्कूल्स की जो ईमेल होगी, यानी कि ईमेल पर वो एग्जाम बिल्कुल जस्ट 15 या 20 मिनट पहले एक मेल के थ्रू आपका एग्जाम जो है इनक्रिप्टेड एग्जाम होगा। इस बार जो एग्जाम है वो मेल पर आएगा स्कूल की आईडी पर, और स्कूल वाले उसके प्रिंटआउट निकालकर आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपके पास 2 महीने हैं फ्रेंड्स, आप जमकर तैयारी कीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आने वाले टाइम में कैसे टॉपर्स, जो प्रीवियस टॉपर्स हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी, क्या हमारी स्ट्रेटजी है एग्जाम को जो है अच्छे से तैयार करने की, कैसे आप तैयारी करें इन 2 महीने में, मैं नई नई वीडियोस लेकर फ्रेंड्स आपके सामने टाइम टू टाइम आता रहूंगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।